नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑफ ऑफ स्टॉक स्टॉक मार्केट मार्केट रेगुलेटर व्हाट इज शेयर शेयर व्हाई व्हाई कंपनी पीपल इन्वेस्ट इन शेयर अब सबको शेयर मार्केट में पैसा ग्रो करना है तभी तो इन्वेस्ट करते हैं तो आप समझते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट शेयर मार्केट होता क्या है लोग अपने इंटरेस्ट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल करते हैं इसी को स्टॉक मार्केट बोला जाता मा है मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे कि एक बायर्स और एक सेलर इन दोनों के बीच में आ जाता है मीडिएटर अब हमें कोई भी चीज़ चाहिए होता है तो उसके लिए हमें पे प्राइस करना पड़ता है यू पे द प्राइस टू गेट द वैल्यू सो यहाँ पे क्या होता है वैल्यू एक्सचेंज होता है जैसे बायर को सेलर से अवेलेबल करवाता है और सेलर को बायर से और इसके बीच में अपना कमीशन चार्ज करता है जिसे इंटरेस्ट कहा जाता है हर मार्केट में, में मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ता है सर्टन मार्केट में मीडिएटर की जरूरत पड़ता है ट्रेड करने के लिए जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन हम बिना ब्रोकर के शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं सो अभी गवर्नमेंट बॉडी है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है हर एक एक्टिविटी में सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मीडिएटर एक ब्रोकर होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है सो so, इंडिया में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ जिसके थ्रू हम बाय और सेल करते हैं पहला स्टॉक एक्सचेंज है बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा एन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बी में टॉप थर्टी कंपनीज आती है एन में टॉप फिफ्टी कंपनीज मार्केट को एक सिंपल वर्ड में जाना जाता है जैसे कि स्पेसिफाई कर सकते हैं जिस वर्ड से ये कोई फिजिकल मार्केट नहीं होता है ट्रेडिंग के लिए अगर मार्केट के साथ बुक जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है बुक मार्केट अगर यहाँ पे होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बुक्स अगला होता है फ्रूट के साथ मार्केट जोड़ दिया तो ये फ्रूट मार्केट हो गया यहाँ पे बाइंग और सेलिंग ऑफ फ्रूट जहाँ पे आप मार्केट में खरीदते हैं अगला होता है स्टॉक मार्केट जहाँ स्टॉक मार्केट होता है बुक्स बिक रहे थे यहाँ पे स्टॉक्स को बाय किया जाता है और सेल किया जाता है थ्रू डिजिटली ये कोई फिजिकल नहीं होता है ब्रोकर प्रोवाइड करता है हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम फोन और पीसी से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ना ही की हमें फिजिकली कहीं जाना पड़ता है मार्केट में फोन से डिजिटली ट्रेड ले सकते हैं इन ब्रोकर्स के थ्रू और वो चार्ज करते हैं किसी जब कंपनी का कोई ओनरशिप रहता है जिसको इन्फाइट नंबर में इस तरह यूनिट्स के हिसाब से दे दिया जाता है तो उसे प्राइस वैल्यू कहा जाता है जब कोई शेयर को सेल करता है तो वो प्राइमरी मार्केट में शेयर से खरीदने के लिए एक बायर बैठा रहता है जो कि ये रहा ये बायर उसे खरीद लेता है उसी पीसिस के हिसाब से ओनरशिप ओन उन कर लेता है जो कि शेयर होल्डर एक ओनर रहता है जैसे कंपनी प्रॉफिट लॉस करेगा उसके हिसाब से इसका पैसा बढ़ेगा या फिर कम होगा यूजुअली लोग शेयर मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए पैसा डालते हैं क्योंकि उनको अच्छा रिटर्न मिल जाता है अब यहाँ पे कंपनी ये सब क्यों करती है क्योंकि यहाँ पे फंड मिलता है प्राइवेट फंड डेप्ट फंड इक्विटी फंड क्योंकि कंपनी को ये फंड की जरूरत होती है कंपनी के ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए सो so, कंपनी ओन फंड करती है जिसे हम रिजर्व फ्रॉम पास्ट प्रॉफिट बोलते हैं जैसे को प्राइवेट फंड बोलते हैं डेप्ट फंड मतलब लोन जहाँ से बैंक से लोन लिया जाता है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से और इक्विटी में शेयर इश्यू हो जाते हैं थ्रू आईपीओ से आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर अब आप लोग सोच रहे हो तो कंपनी इक्विटी से क्यों फंड लेती है डेप्ट से भी ले सकती है लोन भी लेके हो सकती है वाई कंपनी रेस फंड कंपनी फंड को क्यों रेस कर रही है क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कंपनी के फ्यूचर के ग्रोथ के लिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए और नए पेमेंट और डेप्ट के लिए है सो डेप्ट फंड आप लोग सोच रहे हो कंपनी डेप्ट भी ले सकती थी लोन पर इक्विटी क्यों दे रही है क्योंकि इक्विटी देने से उन्हें फिक्स इंटरेस्ट नहीं पड़ता है बैंक से अगर ये लोन लेंगे तो वहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा पर अगर ये इक्विटी के थ्रू और यहाँ पे कोई भी फिक्स इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है जो कि बढ़िया होता है कंपनी के ग्रोथ के लिए और फ्यूचर के लिए अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो हमारे भी तो प्रॉफिट होगा रिटेल इन्वेस्टर्स का भी प्रॉफिट होता है पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बैलेंस बनाने के लिए ये क्या हो जाता है अब फिक्स इंटरेस्ट है डेप्थ होता है लाइबिलिटीज़ में आ जाता है सो तो लाइबिलिटीज़ के से बैलेंस शीट में गड़बड़ आ जाता है जिससे थोड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते और इक्विटी में नो डेट बैलेंस आ जाता है जिससे कि कोई लोन नहीं रहता है जिससे कंपनी को लोन मिल जाता है फ़ंड रेज हो जाता है और डेप्ट में फंड रेज नहीं होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हेल्दी बैलेंस ऑफ लोन जिससे क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं इन्वेस्ट करने अगर उसका डेप्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टर्स भी आगे पीछे होते हैं इन्वेस्ट करने क्योंकि उनको लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है अब क्या होता है आप स्टॉक्स का कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर देख के और पैसे को ग्रो करने डेफिनेटली तो यहाँ पर आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस एनालिसिस जहाँ पे हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं और ग्रोथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया उसे क्लिक करके ज्वाइन कर ले अगर आपने अभी तक डिमेट अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया वहाँ पे जाकर आप फ्री में डिमेट अकाउंट बना सकते हैं और धन्यवाद